स्टैंडर्ड ए सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो पार्ट 3 इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न व्हाट आर द यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके नाउ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं ना कहीं तो हार्मफुल तो हार्मफुल तो है ही ठीक है सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं डिजीज कॉज कर देते हैं जैसे हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा तो वो क्या करते हैं एक अलग ही तरह का डिजीज पैदा कर देता है तो ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको बोलेंगे पैथोजन सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या बोल देंगे पैथोजन ना ये जो पैथोजन्स है मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हार्मफुल है डिजीज कॉज कर देते हैं तो इन सबको हमने क्या बोल दिया पैथोजन है ये ठीक है ना ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये जो डिजीज कॉज करते हैं वो किस तरह की कैसे कॉज करते हैं उसको क्या किया है कैटेगराइज कर दिया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है किस तरीके से डिजीज कॉज करेगा उसको भी कैटेगराइज कर दिया तो उसको दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया एक है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ठीक है ये जो डिजीज कॉज किस तरीके से करते हैं उसको दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया ठीक है फर्स्ट वन क्या बोला कम्युनिकेबल डिजीज एंड दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ठीक है अभी ये कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है जो कम्युनिकेट इट मीन्स क्या कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है ठीक है जैसे कि कोरोना वायरस क्या है कम्युनिकेबल ही तो हुआ एक से दूसरे में जाता ही है कैसे जाता है सी ये डिजीज किसी भी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है थ्रू एयर मतलब उन्हें जो स्नीज किया छींका तो वहां से थ्रू एयर भी तो पास हुआ ठीक है ना और वाटर से मतलब किसी कोई पर्सन है उसने कोरोना पॉजिटिव है उसने वो जूठा ग्लास कर दिया हमने भी वही ग्लास से पानी पिया तो थ्रू वाटर ठीक है ना फूड सेम फूड हमने शेयर किया ठीक है फिजिकल कॉन्टेक्ट इट मीन्स हम लोग हमने हैंड शेक किया वॉटर तो वो क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक ऐसे दूसरे में इजीली ट्रांसफर हो जाए उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो एक में से दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो पाता ठीक है जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें आप क्या एग्जांपल दे सकते हो जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस क्या है टीबी टीबी भी कैसे कॉमन कोल्ड है उसने स्नीज किया तो एयर थ्रू जो उसके जो माइक्रोब्स है वो दूसरे में ट्रांसफर हो गए तो इसी तरीके से जो टीबी है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है कोरोना वायरस है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज है वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या हो गया मतलब जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया जरूरी है क्या दूसरे को भी हार्ट अटैक आए नहीं भी आ सकता ना तो वो सारी चीज़ें क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट अटैक है ठीक है वो सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ना क्या तरीके हो सकते कौन से विच आर द वेज ऑफ स्प्रेड दिस डिजीज कौन से तरीके हो सकते हैं ये जो डिजीज है वो फैलने के तो फर्स्ट है हमें कि ये जो फूड
सकते हो, फिजिकल कॉन्टैक्ट से कर सकते हो, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रांसफर देयर डिजीज थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, आप अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह है, आप साथ में ही खेलते हो, आप उसकी क्या है रेगुलर उसके कॉन्टैक्ट में रहते हो, अगर उसको सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, आप साथ में खेले, साथ में रुके, बैठे, खाए, हैंडशेक किया, गले गले मिले, तो क्या हुआ वो डिजीज जो कॉमन कोल्ड है दूसरे दिन आपको भी होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स भी है, फिर कोलेरा है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये सारी चीजें क्या है, क्या है ये कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा ना। थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल, एनिमल और इंसेक्ट से भी हमें डिजीज हो सकता है, मतलब कुछ माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है मॉस्किटो, तो एनोफिल्स है, एनोफिल मॉस्किटो वो मलेरिया देता है। जैसे कि वो क्या होगा कि कोई हमारा खाना है वो एकदम खुला पड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा ये जो मॉस्किटो, जो एनोफिल मॉस्किटो है वो क्या होगा, ये जो एनिमल डंप वगैरह पड़ा होगा, गार्बेज पड़ा होगा वहाँ पे बैठेंगे, तो वहाँ से कुछ जर्म्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको अपने अंदर ले लेगा, फिर क्या करेगा, खाना वाना हमारा खुला पड़ा होगा या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे हम फिजिकल कॉन्टेक्ट में आके मतलब लाइक वो हमारे शरीर के अंदर जा सकती है। इससे क्या होता है ये जो मॉस्किटो वगैरह है क्या करेंगे, वहाँ से वो ले लेंगे, खाना खराब भी कर देंगे हमारा, और ये जो एरोफिल्स है वो क्या करेंगे, उनको काटेंगे भी, तो उस मच्छर के काटने से क्या होगा हमारे अंदर डिजीज ट्रांसफर हो गया, हमारे ऊपर बैठा है तो कैसे ही ट्रांसफर तो नहीं होगा, क्योंकि हम रेगुलर बाहर करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। बट क्या होता है कि जब ये जो मॉस्किटो है वो हमको बाइट करेगा तो हमको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि डेंगू भी ये मच्छर से होता है ना। एनिमल रैबिस, हमको पता है डॉग और मंकी है, उसके अंदर कुछ तरीके के बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ऑल आर माई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो वो क्या, अगर उसने हमें बाइट किया तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, इट मीन्स हमें रैबिश होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि रेट है, चूहे ने भी काटा तो फीवर आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि किसी को भी मतलब डॉग ने बाइट किया तो तरत उसके क्या बोलते हैं इंजेक्शन देने चले जाते हैं ताकि हमको रैबिश ना हो। रैबिश बहुत ही डेंजरस है, अगर किसी को रैबिश हुआ तो मतलब इट्स लाइक अगर उसको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा बट बहुत टाइम के बाद क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इट कॉजेस डेथ हो जाती है। सो बी केयरफुल विद द डॉग, अगर डॉग काटता भी है तो उसके तुरंत इंजेक्शन मतलब वो एंटीबायोटिक्स हमारे अंदर डालेंगे ताकि जो रैबिश के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको वो किल कर दे, ठीक है। इसके बाद है थ्रू कंटामिनेंट, मतलब क्या होता है कंटामिनेंट मतलब खराब हो चुका है ऐसा फूड, जैसे कि मैंने क्या बोला कि कोई फूड है आइटम हमने उसको खुला ही छोड़ दिया, तो मैंने क्या बोला कि ये जो मॉस्किटो और जो फ्लाइज वगैरह है क्या करते हैं बाहर से गार्बेज एनिमल डंप्स इधर उधर बैठी हुई होती है, वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स वगैरह है वो फूड पे आके बैठेंगे और फूड को क्या करते हैं खराब करते हैं, कभी कभी तो इतना खराब कर देते थे कि वो एक टाइप का पॉइजन ही बना देते थे, ठीक है। तो ये जो कंटामिनेटेड फूड की वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, और ये जो फूड पॉइजनिंग को अगर फूड पॉइजनिंग में क्या होता है
वॉमिटिंग वगैरह, फीवर आता है, वो सारी चीजें होती है, ठीक है। और ये जो कंटामिनेटेड फूड कभी कभार इतना हार्मफुल होता है कि लाइफ कॉज डेथ कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पैथोजेंस किसको बोलते हैं, कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस करेंगे, और ये जो डिजीज को है उसमें डिजीज को हमने दो तरीके से कैटेगराइज करा, एक तो कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल में क्या आएगा, जो इजीली इट कैन बी स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ओके, इट कैन बी स्प्रेड थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ कम्युनिकेबल, ओके। एंड नॉन कम्युनिकेबल इट कैन नॉट बी ट्रांसफर थ्रू वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ नॉन कम्युनिकेबल। और कम्युनिकेबल के एग्जांपल्स क्या लिखोगे, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है, कोरोना वायरस है, ऑल दिस आर कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ नॉन कम्युनिकेबल में क्या आएगा, हार्ट अटैक वगैरह है, वो सारे क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और नेक्स्ट वन है और ये किस तरीके से स्प्रेड होता है, तो कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका हमने झूठा वो एयर वाटर फूड फिजिकल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर करेगा। इंसेक्ट में भी, इंसेक्ट से भी होता है, इंसेक्ट में हमने देखा कि जो एडेफिलिस मॉस्किटो है वो मलेरिया दे देगा, और एडिस है मॉस्किटो वो हमको डेंगू दे देगा। और एनिमल्स में रैबिश होता है, डॉग और मुर्गी के अगर काटने से, और रेड बाइट से भी फीवर होता है, और कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। Page number 24, table number 2.1, given that some common diseases caused by microorganisms, okay, उसमें क्या दिया है, human disease किस तरीके से cause microorganisms है, और the mode of transmission है, और उसको कैसे prevent, मतलब कैसे हम उसको रोक सकते हैं। जैसे कि दिखा है tuberculosis, मसल्स है, चिकन पॉक्स है, और पोलियो है। तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बैक्टीरिया और बाकी के सारे हैं वो वायरसेस से फैलते हैं, और सबका जो मीडियम है मोस्टली जनरली एयर है। पर जो चिकन पॉक्स है और पोलियो है वो चिकन पॉक्स का कॉन्टेक्ट से ही होता है, ठीक है। और पोलियो है या वाटर, और वाटर मतलब जैसे कि खराब पानी वगैरह पिया तो वहाँ से क्या है, पोलियो होने के चांसेस, ठीक है ना। उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इट मीन्स इनमें से किसी को भी ये डिजीज हुआ तो हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। सेम कोरोना वायरस भी है, कोरोना वायरस क्या है, उसमें तो ये सारे मीडियम आ जाएंगे, जैसे कि कॉन्टेक्ट, फूड, वाटर, ठीक है। और ये जो डिजीज है उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, थ्रू आइसोलेट दैट पर्सन, इनफेक्टेड पर्सन, तो उससे हम जो डिजीज है वो फैलने से रोक सकते हैं, ठीक ना। और उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वन इज अ कोलेरा एंड टाइफाइड। कोलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया है, और या तो कोलेरा और टाइफाइड किससे, वाटर या फूड से ही फैलते हैं। उसके लिए क्या है, वाटर और फूड है, इट मीन्स उसका जो सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वाटर से है इट मीन्स उसको कैसे भी तरीके का पानी नहीं दे सकते, उसको बॉइल्ड वाटर है उसको ही देना चाहिए, क्योंकि पानी को बॉइल करेंगे तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो फिर क्या होगा, वो बॉइल्ड वाटर है उसको फिर थोड़ा ठंडा के और फिर वो इंसान को देना चाहिए। तो वहीं से हम ये सारी चीज़ें कुछ कुछ प्रिकॉशंस हम खुद अपनी तरीके से भी लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योर करने में। नाउ हेपेटाइटिस ए है, वो भी वायरस से और वो भी वाटर से ही फैलता है, ठीक है। तो अगर ये हेपेटाइटिस है वो वाटर से फैलता है, इट मीन्स हमको क्या, बॉइल्ड वाटर ही पीना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम उसको कम करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। मलेरिया, तो वो प्रोटोजोआ है, मलेरिया हमने देखा था प्रोटोजोआ है, और मॉस्किटो से फैलता है। तो मॉस्किटो से फैलता है तो अभी हम क्या करेंगे, जो मॉस्किटो नेट वगैरह है उसको यूज़ करेंगे, मॉस्किटो को किल करने वाले स्प्रे वगैरह सब चीज़ें आती है,
उसका हम यूज करेंगे ताकि हम वो डिजीज होने से बच सके हम, ठीक है ना। ये कुछ डिजीज थे जो हमने देखे कि वो ह्यूमंस में पाए गए, हम इंसान में पाए गए, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एनिमल और प्लांट को भी इन्फेक्ट करते हैं, डिजीज उसमें भी उसको भी डिजीज दे सकते हैं। जैसे कि एनिमल है उसमें एंथ्रेक्स है, वो एक बैक्टीरिया है, वो किसने इन्वेंट मतलब उसको डिस्कवर एक रॉबर्ट कॉच नाम के साइंटिस्ट है, उसने ये जो बैक्टीरिया है उसको डिस्कवर किया था, ठीक है, और वो था एंथ्रेक्स। और ये जो एंथ्रेक्स है वो ह्यूमन एज वेल एज जो कैटर एनिमल इतनी हमने पढ़ा था कि हम लार्ज स्केल में चैप्टर 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, एनिमल हस्बेंड्री, इतनी समझो लार्ज स्केल में जो एनिमल्स वगैरह है उसको कैटर करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है एंथ्रेक्स, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक एनिमल नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो इजीली ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो एंथ्रेक्स है वो बहुत हार्मफुल डिजीज है। उसके अलावा भी एनिमल्स में आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो सड़ने लगते हैं, वहाँ पे क्या है, कुछ सड़ने लगे, क्यों सड़ रहे, क्योंकि उसको कुछ लगा है, फिर उसमें क्या है वो डिकम्पोज हुआ, फिर वहाँ पे फंगस लग गया, वो सारी चीज़ें एनिमल में एनिमल डिजीज में आ जाएगी, ठीक है ना। प्लांट में आपके पेज नंबर 25 पे टेबल नंबर 2.2 दिया है, उसमें ही दिया है कि सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो उसमें है सिट्रस कैंटर, सिट्रस कैंटर एक बैक्टीरिया है और वो भी बैक्टीरिया से कॉज होता है और एयर थ्रू ट्रांसमिट होता है। और दूसरा है रस्ट ऑफ वीट, मतलब जो हमारा वीट का क्रॉप है उसमें क्या है रस्ट, एकदम ऐसा लगेगा जंक लग गया है, ठीक है, और वो एक टाइप का क्या है फंगी है, और किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है, एयर थ्रू ट्रांसमिट होता है, या तो जो सीड्स है वो खराब है तो उससे वो ट्रांसमिट होता है ना। येलो वाइट मॉसिक ऑफ बिंदी, इट मीन्स ये जो बिंदी मतलब जो हमारे लेडी फिंगर है वही बिंदी का जो क्रॉप है वो क्या हो जाता है एकदम पीला बन जाता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से, उसमें वायरसेस है और वो कोई भी इंसेक्ट की वजह से कॉज हो जाता है। देयर आर सेवरल वेज वी कैन प्रिजर्व आवर फूड, इट मीन्स वी कैन प्रिजर्व आवर फूड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम उसमें कौन से तरीके यूज करते हैं, एक तो केमिकल मेथड है, फिर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट है, प्रिजर्वेशन बाय शुगर है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिजर्वेशन किस तरीके से, दूसरा होता है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट ना एंड अ स्टोरेज एंड अ पैकिंग ना। केमिकल में क्या है कि आपने देखा होगा अपने आपके घरों में कि पूरे साल का हम वीट ग्रेन है कुछ पल्सिस वगैरह हम पूरे साल के लिए ले लेते हैं, तो उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो बीट वगैरह है कुछ पल्सिस है उसमें या तो आप क्या करोगे कुछ एडिबल्स ऑयल वगैरह डालोगे या एक पाउडर फॉर्म आता है बोरेक्स पाउडर वो भी यूज करते हैं हम ताकि उसमें माइक्रोब्स का अटैक ना हो, ठीक है, तो वो भी एक केमिकल मेथड है। और एक जो सॉल्ट है वो है सॉल्ट का नाम है सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबोलिक सल्फेट, ओके आर अ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ओके ये सारे जो प्रिजर्वेटिव है क्या कॉमन है जो यूज कहीं ना कहीं तरीके से हम करते ही हैं ना। प्रिजर्वेटिव बाय कॉमन सॉल्ट में क्या करता है, जैसे जो फिश है मीट है वगैरह उसको अगर हम सॉल्ट में उसको डिप करके थोड़ा सा रखते हैं तो क्या कर देता है, मतलब जनरली उसमें ड्राई सॉल्ट है वो यूज होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से उसको थोड़ा हमें बचाता है, ठीक है ना।
रिजर्वेशन बाय शुगर, तो उसमें जो हमारी जेली और जो जाम वगैरह है वो शुगर में हम प्रिजर्व करते हैं, मतलब इधर हम क्या करते हैं उसको शुगर सिरप मेडिसिन वगैरह कर देते हैं, ठीक है। तो एक वो तरीका है प्रिजर्वेशन ऑफ शुगर, नाउ प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। सी ऑयल एंड विनेगर, जैसे मैंने बोला कि कुछ पल्सिस वगैरह है उसको क्या किया आपने, ऑयलिंग कर दिया, ठीक है ना, और विनेगर भी वगैरह डाल दिया, जैसे पिकल वगैरह है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में हमने ऑयल से उसको भर दिया, तो क्या है वो खराब नहीं होता है पूरे साल। आपने देखा होगा आपके घरों में जो पिकल्स वगैरह है उसकी जो जार है वो ऊपर तक ऑयल तक भरी हुई होती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि विनेगर जनरली यूज होते हैं, जैसे कि हमने कोई लिक्विड आइटम रखा है तो उसमें एक दो ड्रॉप्स डाल दो तो क्या है विनेगर भी एक तरीके का प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, ठीक है ना। नीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये तो आपके घर में डेली का होता ही है, जैसे कि मिल्क लेके आए तो मिल्क को क्या किया हीट किया, हीट करने के बाद कोल्ड किया, फिर उसको रख दिया, ठीक है। तो उस तरीके से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होने से बचा सकते हैं ना। स्टोरेज एंड पैकिंग, सी द स्टोरेज एंड पैकिंग वो एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से रखने का। जैसे कि आपके घर में ड्राई फ्रूट्स वगैरह है तो क्या करेंगे, जो ड्राई फ्रूट्स है उसको एक एयरटाइट कंटेनर में आप रखोगे और मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा वो भी अच्छे तरीके से माइक्रो स्टोर हो गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ज़्यादातर अवॉइड हो जाएगा। फिर आपके घर में देखा होगा कि कुछ मसाले वगैरह है उसको पूरे साल के लिए कैसे संभाल के रखते हो, एक एयरटाइट डब्बे में ही, मतलब जितना चाहिए उतना निकाला फिर वापस उसको अच्छे से बंद करके रख दिया, ऐसा तो नहीं कि वो पूरा भर नहीं एक जार वगैरह है उसी में से हम रोज़ ले रहे जाए लिए जाए तो क्या होता है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमने तो पूरे साल के लिए स्टॉक किया है ना। तो क्या करते हैं उसको एक एयरटाइट डब्बे में रखते हैं, जितना चाहिए उतना लिया वापस उसको ड्राई एरिया में ही रख दिया। तो स्टोरेज एंड पैकिंग इज अनदर वे टू प्रिजर्व आवर फूड, ओके। तो फर्स्ट वन इज द केमिकल, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, हीट कोल्ड ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, सो वी नो दैट 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन आर एटमोसफेयर, हम लोग 78% नाइट्रोजन है वो अपने एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, दिस इज द हाइएस्ट गैस, ओके। तो इतने अमाउंट में तो एक भी गैस है जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। इट मीन्स ये नाइट्रोजन इतने प्रमाण में प्रेजेंट है इनमें ये नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा यूज भी तो होता होगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो सारे जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही जो प्लांट्स है वो प्रोटीन वगैरह सब बनाते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है उसको कन्वे उनका यूज करके प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, वो सारी चीज़ें बनती है। अब ये जो नाइट्रोजन है वो इतने सारे लोग यूज करते थे तो ये इतना 78% फिक्स क्यों है, क्योंकि सर्टेन फंगी और बैक्टीरिया हेल्प करते हैं ये नाइट्रोजन को फिक्स एटमोसफियर में फिक्स रहने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एटमोसफियरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट तो ले नहीं सकते, तो क्या होता है कि हमें पढ़ा कि जो प्लांट है एक राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया है उसकी हेल्प ले लेता है नाइट्रोजन को लेने के लिए, तो ठीक है। तो क्या होता है कि आपके भाई प्लांट कैसे करेगा, सी प्लांट कैसे करेगा ये नाइट्रोजन का यूज कैसे कर पाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको हेल्प
जो एनिमल है वो खाते हैं, मतलब हम सब है वो प्लांट को खाते हैं, इट मीन प्लांट से कुछ अमाउंट का जो नाइट्रोजन है वो हमारे अंदर भी आ रहा है, ठीक है। फिर ये जो नाइट्रोजन गैस है वो एनिमल से कैसे जाएगा, ना तो एनिमल है वो डेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, हमारी डेथ हो जाती है, और या फिर जो हमारे जो एक्सक्रीटा है उससे भी नाइट्रोजन निकलता है, ठीक है। अभी ये जो एक्सक्रीटा है फिर जो डेथ हो जाती है उससे क्या होता है कि ये जो वापस है वो डिकम्पोजिशन वगैरह जो बैक्टीरिया से वो वगैरह क्या करता है उसको हेल्प कर देता है, और वापस कहाँ पे जाता है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ये सारी चीजों में से नाइट्रोजन वापस निकल के सॉइल में ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। अभी ये सॉइल में मिक्स हो जाता है तो वापस क्या होता है, या तो अगर प्लांट है तो प्लांट भी ले लेगा कुछ अमाउंट का नाइट्रोजन, अगर प्लांट को लेना है तो प्लांट भी लेता है, या तो फिर क्या होता है कि वो जो कुछ बैक्टीरिया है वो हेल्प करते हैं ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कुछ अगर कुछ पोर्शन है वो सॉइल में गया तो प्लांट्स ने भी ले लिया, क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन है तो प्लांट लेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो क्या है सोल्यूबल फॉर्म में ही है, इसीलिए ले लिया। अगर ये सोल्यूबल फॉर्म में कुछ नाइट्रोजन है उसको कुछ बैक्टीरिया का क्या कर देते हैं उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे, और वो वापस कहाँ पे जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट वाली थी वो साइकिल तो बैलेंस हो गई, और कुछ नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के कारण भी स्प्लिट हो जाते हैं। लाइटनिंग के कारण क्या होता है जैसे कि मॉनसून के टाइम पे बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह होती है, तो जो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं ऐसे टूट जाते हैं, तो वो टूटेंगे तो ये जो ड्रॉप्स वगैरह वाटर ड्रॉप्स है उसकी वजह से वापस वो क्या आ जाएंगे सॉइल में ही आ जाएंगे, ठीक ना। सॉइल में आ गए तो आगे साइकिल क्या होगी, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया टर्म्स कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू अ गैसियस नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो वापस तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा ना, और ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसमें जो बैक्टीरिया है और नाइट्रोजन की अमाउंट को क्या करता है फिक्स कर देता है, तो नाइट्रोजन इज फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इट मींस जितना यूटिलाइज होता है उसका उसको कहीं ना कहीं तरीके से वो क्या करता है फिक्स कर देता है, इट मींस ये जो 78% है उसको वो क्या कर रहा है फिक्स ही करता है ना। तो बैक्टीरिया इन टर्म्स विच नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड, ओके। सो ये जो नाइट्रोजनस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एक तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स भी करता है, और दूसरी चीज क्या करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड भी बना देता है, और वो वापस यहाँ पे सॉइल में आ जाता है, इट मींस नाइट्रोजन की साइकिल क्या हो जाती है ये जो बैक्टीरिया है उसको फिक्स करके ही रखते हैं। तो पहले क्या किया प्लांट ने राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प की वजह से प्लांट ने लिया, प्लांट से एनिमल ने खाया, एनिमल की एनिमल वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटा, ओके एनिमल वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीटा, और उसकी डेथ हो गई, तो वहां से जो नाइट्रोजनस कंपाउंड था वो सॉइल में गया, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे, और क्या होता है कि कुछ जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो क्या कर लेता है ये प्लांट भी ले लेता है, ठीक है। और इन दिस साइड ये सारी पूरी साइकिल एक तरीके से कंप्लीट ही हो रही है, कहाँ पे जा रही है या तो यहाँ पे सॉइल में आएगी और एटमोसफियर में जाएगी, सॉइल में आएगी एटमोसफियर में, तो लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन के जो पार्ट्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो वापस सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। और सॉइल से तो हमें पता है सॉइल में अगर बैक्टीरिया है वो यहाँ पे लेके एटमोसफियर में डाल देंगे, या तो ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स ले लेगा, ठीक है, राइजोबियम की वजह से ना।
दूसरी चीज क्या होती है, ये बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन की अमाउंट को एटमोस्फेयर में फिक्स करता है, और जो कुछ बैक्टीरिया है वो टॉल करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड पे, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। सो ये चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कैसे किस तरीके के डिजीजेस को कॉज करता है ह्यूमंस में एज वेल एज एनिमल में एंड प्लांट्स में भी, और जो फूड को प्रिजर्व कैसे करना है, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने ये चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो के बारे में पढ़ा।